अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा ये लाइट मोशन एप्लीकेशन को। देन आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर गाइस प्लस का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा और ये जो पेंसिल का आइकन है इस पर क्लिक करना होगा। अब इधर आपको टाइप करना होगा 1080 और इधर टाइप करना होगा 2340, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा फुल स्क्रीन है जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। देन आप ब्लैक चूज़ करके या कोई भी कलर चूज़ करके क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर गाइज आपको प्लस पे क्लिक करना होगा, मीडिया पे या ऑडियो पे जाना होगा और आप अपना ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं मीडिया पे जाता हूँ और इस वीडियो का मैं ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मैं 3 डॉट पे क्लिक किया और एक्सट्रैक्ट कर चुका, अभी इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब गाइज आपको जैसा भी, सॉरी मैं ऑडियो को डिलीट कर दिया, वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। अब आपको गाना सुनकर यहाँ पर सिंक करना है, यानी कि बीट मार्क सब देना होगा, जैसे कि इस टाइम से आपका स्टार्ट हो रहा है लिरिक्स, यानी कि यहाँ से इतना दूर कोई भी लिरिक्स स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो यहाँ से मैं लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है जैसे कि सायरों से, तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है सायरों से, यानी कि इस मार्क से स्टार्ट हो रहा है और इस मार्क तक वो ख़त्म भी हो जा रहा है। इसके बीच पे यानी कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जस्ट यही लफ्ज आ रहा है जो सायरों से, देन लफ्ज़ लेके यहाँ पर एंड हो जा रहा है, तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ से सायरों से इस मार्क तक लफ्ज़ लेके थोड़े से उधार, तो यहाँ पर इतना दूर थोड़े से उधार, तो वो इतना दूर आता है, तो आपको वो इधर मार्क कर देना है और इसे हटा देना है। बोलना ये, तो गाइस बोलना ये यहाँ पर एंड हो रहा है, तो मैं दिखाता हूँ और यहाँ से चाहता हूँ स्टार्ट हो जा रहा है दिल से, तो इस तरह आपको मार्क कर देना होगा ठीक इसके अकॉर्डिंग। तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ डेमो के तौर पे, तो इस तरह आप सोचो मार्क सही सही कर चुके। ऑलराइट, यहाँ पर जैसे कि लिरिक्स सब ठीक लाइन तक मार्क कर चुके। अब यहाँ पर गाइज आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बैक करना होगा और यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन पर आना होगा और गाइज डिस्क्रिप्शन पे आपको यहाँ पर XML फाइल एंड प्रीसेट फाइल दोनों का ही लिंक मिल जाएगा। तो एक इफेक्ट प्रोजेक्ट रहेगा, उस प्रोजेक्ट को आपको डाउनलोड करना होगा और यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना होगा। कर लेने के बाद आपको ओपन करना होगा और यहाँ पर कुल आपको 7 लेयर्स देखने को मिलते हैं, 7 लेयर्स। इन लेयर्स सब आप देख सकते हैं, आपको क्या करना होगा, इनमें से आपको इन सारों जितना भी है सब लेयर सबको इस तरह होल्ड करके रखना होगा। आइकन ऑप्शन जो यहाँ पर था, इस तरह होल्ड करके क्लिक कर लीजिएगा। देन ये वाला आइकन पे क्लिक करके आप कॉपी 7 लेयर करना होगा, देन बैक करना होगा। बैक करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर आना होगा और ये वाला आइकन पे क्लिक करके पेस्ट 7 लेयर। अब ये जो पेस्ट हो चुका, अब गाइज आपको अगर आप XML फाइल यूज़ कर रहे हो तो ये फूल फ्लावर ये सब का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप रिप्लेस करा चुके कर लीजिएगा। एनीवे अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आपका ये जो रेक्टेंगल हुआ है इस लेयर को जितना दूर ऑडियो उतना दूर एक्सटेंड कर देना होगा। और गाइज उसके बाद आपको ये जो 3 अपर का लेयर है, एक ये और एक ये, इन तीनों लेयर को आपको क्या करना होगा, इस तरह आपको तीनों लेयर को चूज़ करके एक्सटेंड करा देना होगा जितना दूर सॉन्ग है। अब यहाँ पर गाइज आपको जो ये फ्लावर सब है, इन फ्लावर सब को भी आपको टाइम का ऑप्शन पर जाके एक्सटेंड करा देना होगा और नीचे वाला फ्लावर को भी इसी तरह टाइम का ऑप्शन पर जाके एक्सटेंड करा लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका बच चुका सिर्फ ग्रुप, ये जो ग्रुप है आपको क्या करना होगा, ये ग्रुप को आप एक्सटेंड कर चुके इतना दूर, तो ये ग्रुप के अंदर आपको एडिट ग्रुप पर जाना होगा और यहाँ पर 2 फॉन्ट मिलते हैं इस टेक्स्ट के अंदर, तो ये जो सब्सक्राइब है इस पर मैं जाता हूँ, एडिट टेक्स्ट पर जाता हूँ तो हर्षिता फॉन्ट है। तो इस तरह व्यू ऑल फॉन्ट्स पे क्लिक करें, 3 लाइन पे क्लिक करें, इंपोर्ट फॉन्ट्स पे जाएं और आपको हर्षिता डॉट डॉट
.ttf फाइल मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप उससे इस तरह होल्ड करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद वो सबसे एंड पे आ जाते हैं, तो वो फॉन्ट को आपको जस्ट सिलेक्ट कर लेना होगा। करने के बाद आपका अगर वो फॉन्ट सिलेक्ट हो चुका फिर भी नहीं आता है उसके बावजूद, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो ग्रीन बटन है इसे थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर गाइस आपको टेक्निकल स्वेल इसके अंदर लेमन मिल्क बोल्ड है, इसे भी आपको फॉन्ट को इस थ्री लाइन पे क्लिक करके सेम प्रोसेस करके इंपोर्ट करा लेना है। देन इंपोर्टेड फाइल को इस तरह चूज करके रखना होगा और यहाँ पर एंड पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन लेयर सब को आपको यहाँ पर है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से कोई भी लिरिक्स स्टार्ट नहीं हो रहा, आपका लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ से सायोरो से। तो आपको ये अपना लोगो या कुछ भी नेम टाइप करके रख लेना है। तो ये वाला मैं ग्रुप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कॉपी लेयर करता हूँ। अब इस मार्क पे जाता हूँ, ये वाला आइकन पे क्लिक करके पेस्ट लेयर, देन आपको नेक्स्ट मार्क तक आना होगा इस एरो पे क्लिक करके और टाइम का ऑप्शन पे जाके ये वाला आइकन, क्योंकि आपका जो भी मार्क है उससे वो ग्रुप थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है तो वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। अब इस पे जाना होगा और यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। अब एडिट ग्रुप पे जाना होगा और जो भी आपका लाइन है जैसे अपर पे है सायोरो से, तो यहाँ पर मैं एक टाइप कर लेता हूँ सायोरो, सॉरी ये नीचे वाला हो चुका, तो इधर मैं से टाइप कर लेता हूँ और इधर मैं टाइप कर लेता हूँ जो भी है लिरिक्स सायोरो। तो देख सकते हैं यहाँ पर सायोरो से। अब इसे आपको छोटा लगता है तो आप इसे थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा इस तरह, और जो जूम किया आप ये वाला आइकन पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लीजिएगा। अब फिर से यहाँ पर जाके पेस्ट लेयर कर देना होगा और देख सकते हैं ये थोड़ा सा शॉर्ट हो चुका, जितना दूर मार्क उतना दूर नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये वाला टाइम का ऑप्शन पर जाके एक्सटेंड कर दीजिएगा, वो मार्क तक वो चले जाएगा। अब सुनना है लब्स से लेके, ये लाइन आता है लब्स लेके, तो यहाँ पर एडिट ग्रुप पे जाना होगा और अपर वाला पे नीचे वाला पे टाइप कर देना होगा लब्स, यानी कि जो हर्षिता फॉन्ट्स है। तो मैं लब्स टाइप कर चुका और नीचे पे टाइप कर देना होगा लेके, तो मैं लेके टाइप कर चुका। अब देख सकते हैं ये वाला हो चुका और ये भी हो चुका। अब सुन लेना है आपको जो भी लाइन है थोड़े से उधार, तो आपको इस मार्क तक राइट एरो पे क्लिक करके नहीं लेफ्ट एरो पे क्लिक करके आना होगा और ये वाला आइकन पे क्लिक करके पेस्ट लेयर, और उस मार्क तक आपको फिर से एक्सटेंड करना होगा टाइम का ऑप्शन पर जाके, और यहाँ पर एडिट ग्रुप पे जाना होगा और थोड़े से उधार, तो यहाँ पर मैं इधर उधार टाइप कर देता हूँ क्योंकि ये नीचे वाला लेयर है, और इधर पे एडिट टेक्स्ट पे जाना होगा और यहाँ पर थोड़े से उधार। तो देख सकते हैं इस तरह आपको यहाँ पर लिरिक्स सब को टाइप करना होगा। तो जितना सारा है आप लिरिक्स इस तरह वन बाय वन ठीक आपको इस तरह पेस्ट करना होगा और नेक्स्ट मार्क तक एक्सटेंड कर देना होगा, और जो भी लिरिक्स है एडिट ग्रुप पे जाके दोनों पे टाइप कर देना होगा। तो इस तरह कर लेता हूँ मैं जितना सारा यहाँ पर लेयर्स हैं। ऑल राइट गाइज, अभी देख सकते हैं मैं सारा जितना भी मार्क था उसके अकॉर्डिंग लिरिक्स के अकॉर्डिंग जो जैसे भी लिरिक्स आ रहा है सब टाइप कर चुका हूँ, और यहाँ पर कुछ आपको इस तरह देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह, यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके साइज का ऑप्शन पे। अब यहाँ पर गाइज आपका जो ये ग्रुप्स है भाई ये सब अपर हो जाता है, मतलब ऊपर की तरफ चले जाता है ये तीन लेयर से। तो आपको ये तीनों लेयर को क्या करना होगा, इस तरह होल्ड करके रखना होगा और प्रेस करके अपर पे कर देना होगा, फिर से मिडिल लेयर पे होल्ड करके रखना होगा प्रेस करके अपर कर देना होगा, फिर से इस तरह होल्ड करके रखना होगा प्रेस करके और अपर कर देना होगा। तो देख सकते हैं इस तरह आपका वो एंड तक चले आ जाता है। एंड तक आने के बाद आपको यहाँ पर आप चाहते हो कोई पार्टिकल यूज़ करना तो आप कर सकते हो, तो जैसे कि मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ मीडिया पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ अगर कोई पार्टिकल पसंद आ जाता है तो मैं उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर गाइज आपको मैं दो पार्टिकल वीडियो लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आपको क्या करना होगा थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके उसे इंपोर्ट करा लेना होगा, और जो व्हाइट पार्ट वाला है उसका ब्लेंडिंग पे जाना होगा, डार्केन पे जाना होगा, यार क्या हो रहा है आज, मल्टीप्लाई पे जाना होगा। तो देख सकते हैं उसके बाद आपको इस तरह वो पार्टिकल वीडियो देखने को मिलता है, और एक आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये वाला मैं इंपोर्ट करता हूँ, अभी देख सकते हैं ये वाला मैं इंपोर्ट करा चुका। अब आपको इससे भी थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया ब्लेंडिंग लाइट एंड स्क्रीन पे क्लिक करना होगा, और ये ज़्यादा दिखेगा नहीं बट नीचे से जो आता है हर्ट जो देख सकते हैं इस तरह थोड़ा थोड़ा करके दिखेगा ट्रांसपेरेंट टाइप का, वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसे आपको होल्ड करके इसे भी तीन लेयर के नीचे कर देना होगा, नहीं आप इसे अपर में रखें क्योंकि नीचे करने के बाद वो दिख रहा नहीं है,
तो आप देख सकते हैं इस तरह आपको उसके बाद वो देखने को मिलता है, जो कि देखने में लिटरली बहुत ही कमाल का लगता है। तो यहाँ पर मैं ये लेयर को कॉपी लेयर कर लेता हूँ और इसी मार्क से मैं पेस्ट लेयर कर देता हूँ, क्योंकि वो एंड हो चुका था वीडियो एंड होने से पहले ही। तो इस तरह आपको उसके बाद आपका जो वीडियो है बन के रेडी हो जाएगा। शेयर पे क्लिक करके आप एक्सपोर्ट करा सकते हैं। मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ।